कौन आ गया इस वक्त? इस वक्त कौन आ गया? चैन से दाढ़ी भी नहीं बनाने देते, पता नहीं कौन आ गया इस समय मरने। शंकर दत्त, मालूम तो यही घर पड़ता है। अरे शंकर, अरे शंकर, अरे राजेश। हाँ शंकर। आओ शीला, देखो राजेश आ गया। डियर, तुम्हारा 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। नमस्ते नमस्ते। रोज एक आदमी का ज्यादा खाना बनाती थी मैं। आओ मैं देखो। इस समय कौन सी ट्रेन से आए? ट्रेन? उसकी तो लाइन ही टूटी हुई है। मैं तो स्टीमर से आया हूँ, डूबते डूबते बचकर। आप इस बाढ़ में नदी पार करके आए हैं? जैसा ये बताते थे वैसे ही है आप। क्यों शंकर, क्या बताते थे भाभी को मेरे बारे में? तुम्हारी भाभी तो तुम्हें देखने के लिए उतनी व्याकुल थी जैसे बच्चे जो है ऊद बिलाव देखने के लिए परेशान रहते हैं। बताइए, नदी से तो आपको पहले से ही लगाव है। शीला, जरा जल्दी से चाय बनाना। करता क्या, 2 साल से आने की सोच रहा था। जब से यूनिवर्सिटी छूटी तुमसे भेंट ही नहीं। मैं कम्युनिकेशन में भी गया पर तुम वहां भी गायब थे। क्या करूं, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। इन 2 साल में जिंदगी कहां से कहां हो गई। मन पर इतना बोझ है कि जैसे हजारों हथौड़े चोट कर रहे हो। कभी कभी तो मन करता है कि मर जाऊं, फुर्सत मिले पर आग के बिस्तरे पे ना इस करवट चैन ना उस करवट चैन। क्यों, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ना ठाके ना लतीफे, पता नहीं कहाँ का आलस टाल रखा है ये। ऐसा करो, आराम से बैठो तुम। अब बताओ वजह क्या है तुम? तुम समझते नहीं शंकर, मुझे क्षण भर भी चैन नहीं है। मेरी नस नस में तूफान से घुट रहे हैं और उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं मालूम पड़ता। लेकिन क्यों? पता नहीं क्यों, यही पता नहीं कि क्यों जी रहा हूं। कोई अर्थ नहीं मेरे जीने का। राजेश, तुम ऐसे हो जाओगे? मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था। अरे भावुक तो मैं था, लेकिन तुम तो अपने आप को बांध के रखते थे। हाँ दोस्त, लेकिन मन की नदी का बांध फूट ही गया और फिर इतनी भयानक बाढ़ आई कि जाने कितनी मान्यताएं टूट गईं, जाने कितने संस्कार उखड़ गए। और धार इतनी तेज थी मित्र कि मेरे पैर की धरती तक उखड़ गई। न पैर तले रेत, न सिर पर आकाश, और ये भयानक बाढ़ पता नहीं मुझे कहाँ खींच लाई और पता नहीं क्या करने पर उतारू है और पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं। माया न जाने, माया न जाने, जिया ले के माने, जिया ले के माने। बहू जी, नदी भवानी के भीख मिले। ये क्या है भाभी? चना है। ये लोग हर घर से भीख मांगते हैं चने की। क्यों? बकरे को चने खिलाएंगे, चने खिलाने के बाद उसे बकरे को ले जाएंगे नदी के पास, उसकी भेंट चढ़ाएंगे और उनका जो खून है वो जल में प्रवाहित करेंगे, तभी नदी बहती है। ये सच है शंकर? हाँ, पहले हम लोग को भी यकीन नहीं था, लेकिन अब कई सालों से तो हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। कभी कभी तो इससे भी काम नहीं चलता है। नदी देवी का मंदिर डूबने लगता है, तब कस्बे का आदमी आकर अपनी जान देता है और तभी ये नदी घटती है। हे देवी मैया, तुम्हारो हम बालक और रखियो हमारो ध्यान, और तोका चढ़ावे नरियर बतासा और चढ़ावे पाठा जवान।
तीन साल पहले एक पागल डूब के मर गया, पिछले साल एक औरत डूब के मर गई, उसने खुदकुशी कर ली, तभी जल घटा। चाय यही लाए? नहीं, अंदर मेज पर लगा दो। तुम क्या सोच रहे हो राजेश? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ जिंदगी कितनी खूंखार है, हर जगह एक सी है शंकर, कहीं भी चैन नहीं लेने देती। वहां से चलकर आया, सोचा कि यहाँ कुछ चैन मिलेगा। ये लोग हैं, कितनी आसानी से मासूम जानवर की। कुछ नहीं शंकर, हर जगह यही होता है, गाते बजाती हुई जिंदगी अपने शिकार को ले जाती है, उसके खून को लहरों पर छिड़कने के लिए। और एक मैं, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं मरूंगा नहीं, जिंदगी जीऊंगा, लेकिन नहीं, जिंदगी का शिकंजा हर जगह खून का प्यासा है। देखो यह खूनी पुकार, इससे पीछा छुड़ाओ शंकर, ये आवाज मुझे जीने नहीं देती। मैं मरना नहीं चाहता शंकर, मैं जीना चाहता हूं। पागल हो गए हो राजेश? चलो अंदर कमरे में, वहां आराम से बैठना और बाहर कोई आवाज भी नहीं आएगी। क्या हुआ है तुम्हें, कुछ बताओगे भी मुझे? बताऊंगा मित्र, बताऊंगा, लेकिन कुछ देर मुझे आराम करने। राजेश अब यहाँ बैठ के आराम करो और ये किताबें जो हैं पढ़ो। टेनिशन, अच्छा कमाइन, ये सब किताबें तुम्हारी हैं? नहीं, ये पद्मा की है, मेरी छोटी साली, जो आजकल अपनी बहन के पास आई हुई है। मेरे दोस्त है कृष्ण स्वरूप कक्कड़, अब पद्मा दिन भर यहाँ बैठे बैठे क्या करे, इसलिए वहीं चली जाती है। अब तुम आ गए हो, तुम्हारे संगी मत्था पच्ची करा करेगी दिन भर। चलिए चाय तैयार है, अभी तक तो पद्मा आई नहीं, पता नहीं कब तक आएगी। अब आई रही होगी, मैं तो कहता हूँ दोनों की शादी कर दो, पद्मा रूपी बाढ़ से हम लोग को भी रिलीफ मिल जाएगा। चलो हटो भी, मजाक मत करो, मुझे तो दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, मैंने तो चाचा जी को भी खत में लिख दिया। लो बैठो, आज दीदी और जीजा जी गए हैं स्टेशन अपने एक फ्रेंड को रिसीव करने, सुना है बड़े लेखक हैं। लेकिन पद्मा मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे बाढ़ कमेटी की मीटिंग में जाना है। तो क्या करते हो तुम लोग? हम लोग वहाँ बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते हैं, और जो लोग बेघर बार हो गए हैं उनकी मदद, और जो लोग बाढ़ में फंस गए हैं उनको निकालते हैं। जरा से पानी में उतरा नहीं जाता, बड़े यार दूसरों की मदद करने वाले, तुम क्या किसी को बचाओगे? पद्मा मैं तैरना जानता हूँ, पद्मा तुम्हें यकीन नहीं, अरे आज कल भी अगर भरी नदी में कूद जाऊं तो डूब नहीं सकता मैं। और अगर कोई ऐसी धार में उलझा हो जिसे किसी डूब कर ही बचा सकते हो तो? पद्मा अगर मैं डूब ही जाऊंगा तो फिर बचाऊंगा कैसे? तुम भी बच्चे जैसी बातें करती हो। अरे यही तो नहीं समझते तुम डॉक्टर साहब कि बिना डूबे उसे बचाया ही नहीं जा सकता है। किसे? किसी को भी, मसलन मुझे। पद्मा तुमने इतनी बात करना कहां से सीखा? सच में डॉक्टरी पढ़ने में बहुत नुकसान है, मुझे भी लिटरेचर पढ़ा दो, कम से कम तुमसे बात तो कर सकूं। तुम कितनी कुशल हो बात करने में। अरे ये बैग किसका है? लगता है आ गए ये लोग। कौन लोग आ गए? क्या शंकर आ गए? चलो अच्छा है, इनसे भी ले ही लूं बाढ़ लीफ का चंदा। अरे बैठो भी, हमारे पास एक मिनट भी बैठना भारी लगता है तुम्हें, हमसे चंदा नहीं लोगे? तुमसे चंदा नहीं पद्मा, तुम मेरे साथ चलो, तमाम बेघर औरतें पड़ी हैं मदद के लिए। ना बाबा ना, हमें उनकी हालत देख के बहुत रुलाई आती है, उस दिन बाढ़ देखने गई रोते रोते आंखें सूज गईं,
हमारी तो आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं कृष्णा, एक चश्मा दिलवा दो ना। हाँ अच्छा। और हाँ तुम्हें एक बात बताऊँ, कल जीजी ने चाचा के पास तुम्हारे बारे में चिट्ठी लिखी है और सब तो ठीक है, मगर हम लोग सारसरी थे और तुम लोग कक्कर। हम लोग कितने सुखी होंगे पद्मा। हाँ ये बात तो ठीक है कि मैं तुम्हारी तरह भावुक नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है पद्मा कि हम लोग एक दूसरे की जरूरत पूरी जरूर करेंगे। हाँ कृष्णा ये तो सच है, मैं कविताओं में डूबी रहती हूँ मगर मुझे कवियों से लेखकों से बहुत डर लगता है। इनमें से एक तिहाई तो पागल होते हैं, एक तिहाई भिखारी और एक तिहाई सखी संप्रदाय के। पद्मा कविताओं के मीनिंग मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, एक बार तो मैंने सोचा कि मैं भी कोई कविता लिखूं, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे पेशे में बहुत नुकसान हुआ। और उसके बाद मिल गई तो बजा खुद कविता। हम बताएं देखिए, इसीलिए कभी कभी लगता है कि आदमी को पत्थर दिल होना चाहिए, उसको मशीन की फौलादी मशीन होना चाहिए, बाहु चक्रों में कुचल दे सभी को। कभी कभी मन में एक भयंकर खूनी प्यास जागती है कि जिंदगी से बदला लूं, लेकिन ये दोस्त प्यार ने मेरे साहस को भी तोड़ दिया है, क्योंकि मन में ख्याल आता है कि इस चक्र में वो भी कुचल जाएगी जिसको मैंने ईश्वर से बढ़कर माना है। वो आज मेरी जिंदगी से भले ही दूर हो गई है तो क्या हुआ, मेरे लिए जिंदगी का क्या अर्थ रहा। सोचता हूं कि जीऊं तो किसके लिए जीऊं, क्यों जीऊं, कैसे जीऊं, लेकिन फिर मन में ख्याल आता है कि जीऊंगा, फूल बनकर ना जी सका तो कांटे बनकर जीऊंगा, लेकिन जीऊंगा जरूर। अरे ये है पद्मा, पद्मा ये है राजेश, इनके बारे में तो तुम जानती हो, और ये है डॉक्टर कृष्ण स्वरूप कक्कर, पद्मा के होने वाले पति, और कल से आप ही इलाज इनका करेंगे। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं ऐसा आदमी नहीं जिससे मिलकर किसी को खुशी हो। नहीं नहीं ये तो व्यापार की दृष्टि से कह रहे हैं ना, इन्हें तो एक मरीज मिल गया, क्यों ना। इतना मत हंसो कृष्णा। भाभी जी आपसे भी कुछ वसूलने आया हूँ मैं। घबराइए मत, हमने रिपोर्ट लिखकर भेज दी है। ये क्या है, कुछ हमको भी दिखाओ। बाढ़ रिलीफ कमेटी का चंदा, कुछ आओ। ठीक है। देखो शंकर मैंने क्या लिखा है, जब आदमी के सामने जिंदगी की दिशाएं धुंधली पड़ जाएं, जब वह अपनी जिंदगी के सही सही अर्थ ना खोज सके, तो उसका जिंदा रहना उसका अहंकार और कायरता है, उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। राजेश मुझे संदेश नहीं चाहिए, मुझे चंदा चाहिए बाढ़ रिलीफ का। ओह आई एम सॉरी, काहे का चंदा बाढ़ रिलीफ का, क्यों। अरे हम उससे बाढ़ में मरने वालों की मदद करेंगे, उनको बचाएंगे। लेकिन क्यों बचाएंगे उन्हें। अरे क्यों क्या, हम उससे बाढ़ में मरने वालों को बचाएंगे। लेकिन हम उन्हें क्यों कर बचाएं, तो क्या उन्हें मरने दिया जाए। बेशक कितना बड़ा दम, हम घास फूस के छप्परों को बह जाने देते हैं, ढोर डंगर को बह जाने देते हैं, और इन आदमियों के बचाने के लिए चंदा करते हैं। डॉक्टर ये आदमी क्या ढोर डंगर घास फूस से बढ़कर हैं, उनसे भी बदतर हैं, इनको बचाने के लिए हम चंदा करते हैं। इनको बचाना इस धरती के लिए बोझ और खुद इन लोगों के लिए यातना है। करोड़ों साल से हम सितारों की छाव में धरती पर अपने परचिन्ह बनाते चले आ रहे हैं, लेकिन हम सब हैं कीड़े के कीड़े। मनुष्य को क्या आप कीड़े से बढ़कर समझते हो, इनका मर जाना ही ठीक है, हमारा अस्तित्व मिट जाए तभी तो अच्छा हो।
तो क्या दया भावना कुछ भी नहीं राजेश बाबू? ये क्या कह रहे हैं आप? दिस इज ब्रिटिश। ब्रिटिश? दया क्या कम ब्रिटिश है? उस बकरे को देखो जो बलि के लिए चढ़ाया जा रहा था। डॉक्टर साहब, हमारे दो चेहरे होते हैं, एक वो चेहरा जो जमाने को दिखता है, जिसमें ममता, प्रेम, अहिंसा होती है, और एक वो चेहरा जिसमें क्रूरता, प्रतिशोध, कठोरता होती है। मेरे दोस्त, दया करके हम जिंदगी की असलियत को छिपाते हैं। वास्तव में जिंदगी घिनौनी है, क्रूर है, और वही वास्तविकता। इसलिए इंसान को मर जाना चाहिए, उसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। बताइए, आपके नाम का कितना चंदा लिख दूं मैं? चंदा? यही लाइनें मेरी चंदा है। अरे ये तो रसीद बुक है डॉक्टर साहब। मैं आपकी लतों पर लिख सकता हूँ, पानी की लहरों पर लिख सकता हूँ, आसमान पर लिख सकता हूँ। यही जीवन का ध्रुव सत्य है कि आदमी को मर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी दिशाएं धुंधली और अस्पष्ट हैं। ठीक, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। कृष्णा, कल इनका एग्जामिन कर लेना, ये बहुत अच्छे लेखक हैं। हिंदी के ना, तभी ये न्यूरोटिक हैं। मानसिक रोग है शंकर भैया? रोग नहीं, बहुत गंभीर बात कहते हैं ये। मैं तो जैसे बह गई थी। इन्हें मैं कल देखूंगा, आज मुझे बाढ़ रिलीफ कमेटी की मीटिंग में जाना है। क्या है बाढ़ का हाल? सब जगह पानी भर गया है जीजा, देवी के मंदिर तक पानी आ गया है। इस साल बेचारा फिर कोई डूबेगा। महज अंधविश्वास है। और हाँ शंकर भैया, इनमें बहुत ही गलत और भयानक प्रवृत्तियां हैं, जरा संभाल कर रखिएगा। शंकर भैया, आप घबराए नहीं बिल्कुल भी। मैंने उन्हें दवाई दे दी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। वो कल से बेसुध होके पड़े हुए हैं, कल एक बार अटैक भी पड़ा था। चलो आप कहते हो तो मैं देख आता हूँ उन्हें। शंकर भैया, वो बिल्कुल ठीक है, बस रात को हार्ट अटैक ही पड़ा था, लेकिन मैंने जो मेडिसिन दी है उससे 10 दिन के अंदर आधा मर चला जाएगा। इसका श्रेय तो पद्मा को जाता है, इसने रात दिन एक करके उसकी इतनी सेवा की है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये इतनी सेवा भी कर सकती है उसकी। शंकर भैया, मैं पद्मा को लेकर क्लिनिक पे जा रहा हूँ, वहाँ मैं इसके मार्फत कुछ मेडिसिन दे दूँगा, वो आप समय समय पर देते रहिए। जल्द ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हाँ, राजेश जी को उस कमरे से इसी कमरे में ले आओ। अच्छा अच्छा, उधर से जाओ, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही मनहूस है, बहुत भारी है। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। बताओ कृष्णा, क्या बात है? डॉक्टर से ज्यादा तो तुम मरीज के बारे में जानने के लिए आते हो। खैर, इन 10 दिनों में हमारी जिंदगी का चक्र कितना घूम गया है पद्मा। कृष्णा, बोली ना बोला करो, तुम्हारा मन इतना छोटा है मैं यह नहीं जानती थी। और तुम्हारा मन इतना अस्थिर है ये मैं नहीं जानता था। इन 10 दिनों में जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई, सब कुछ खो गया। अब तो मैं मेरे बारे में कोई दिलचस्पी नहीं रही, वो न्यूरोटिक आत्मघाती सब कुछ हो गया तुम्हारे लिए। कृष्णा, मैं इस तरह की बातें सुनने की आदी नहीं। मैं कुछ भी हूँ मैं उन्हें श्रद्धा करती हूँ, ममता करती हूँ, प्रेम करती हूँ। कहो ना, आखिर हो ना औरत, बदलते देर नहीं लगती। और तुम हो तो एक पुरुष ही ना, अधिकार की प्यास जाएगी थोड़ी ना। ब्याह हो गया होता तो जाने क्या करते। बोलो ना, नाराज हो गए? कृष्णा, मैं क्या करूं? मैं अपने आप को समझ ही नहीं पा रही। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया।
जब से उनके दर्द को पहचाना है तब से जैसे उनसे मन बांध लिया। लगता है उनके दर्द का एक जर्रा मेरे सारे व्यक्तित्व सारे प्रेम से बड़ा है। यकीन मानो कृष्णा, मैं उनसे प्रेम नहीं करती। उनकी आंखों में इतनी अंधेरी गहराइयां हैं कि उसमें झांकते हुए भी मुझे डर लगता है। लेकिन पता नहीं कैसा जहरीला जादू है कि मैं उसमें डूब जाती हूँ। थोड़े दिन में तो वो यहाँ से चले ही जाएंगे, तब तक उनकी सेवा कर लेने दो। मैं जानता हूँ मैं बहुत नीरस हूँ, तुम्हारे योग्य नहीं, लेकिन लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई है भी तो नहीं। आज जो मैंने जो ऊंचाई पाई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन खैर, तुम्हारी इन्हीं बातों से मेरा मन भर आता है, गला भर आता है। अरे रो मत, बैठो। तुम जैसी भी हो पद्मा, मुझे स्वीकार हो। काश काश तुम मुझे समझ पाती। लेकिन लेकिन खैर, अब हंसो भी। हाँ ऐसे तुम्हें पता है वो इतना क्यों परेशान रहते हैं, क्यों आत्महत्या करना चाहते हैं? जानती है, वो जिस लड़की से प्रेम करते थे वो उन्हें मिल ना सके। ठीक, उन्हें इतना नीचे ना घसीटो। तुम्हारी पूजा करने से तो वो ऊंचे उठ नहीं जाएंगे। और तुम्हारे व्याख्या करने से वो क्या नीचे गिर जाएंगे? बेवकूफ मत बनाओ मुझे, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, सब बता दिया था उन्होंने। और कामनी ने निश्चय किया था कि वो जीवन भर अलग रहेंगे, प्रतिदान ना लेंगे। लेकिन धीरे धीरे कामनी मुरझा रही है। उनके जो जीवन का अर्थ था अब वो निरर्थक होता जा रहा है। वह जिंदा नहीं रहने चाहते कृष्णा, कितनी गहराई से सोचते हैं, मगर तुम नहीं समझते। तुम तो समझती हो ना? हाँ समझती हूँ, और तुम्हारे इस तरह बोलने से मैं डर नहीं जाऊंगी। तुम उनके पैरों की धूल भी नहीं हो, तुम उस ऊंचाई से कभी नहीं सोच सकते। कभी नहीं सोच सकता, ईश्वर ना करे मैं वहां से सोचूं। औरत औरत जो एक शाम को बदल सकती है उसके पीछे आत्महत्या कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं। कृष्णा कृष्णा, अरे पद्मा ये कुर्सी लिया करो। नहीं नहीं लिया, नहीं नहीं मैं यहीं बैठ जाऊंगा, यहीं बैठ जाऊंगा। ठीक है, बस बस धन्यवाद। पद्मा तेरी आंखें लाल क्यों हैं? कुछ नहीं जीजा जी, सर में दर्द हो रहा था। नहीं ये सब मेरी वजह से है। अगर मेजबानी का सबसे ज्यादा बोझ लदा है तो पद्मा के ऊपर। पता नहीं क्यों लोग मुर्दे को मरने भी नहीं देते। मरे आपके दुश्मन, आपके बिना हमारे जीजा जी विधवा नहीं हो जाएंगे। अरे बैठो भाभी, दूध चढ़ा के आई हूँ, जल जाएगा। अरे बैठो भी दीदी।